इस वीडियो में हम नंबर्स को एनिमेट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्सप्रेशंस। मैंने इस वीडियो में नंबर्स से रिलेटेड सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करा है, तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब अगर आप सिर्फ एक्सप्रेशन जानने आए हैं तो वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उन्हें वहां से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। अब नंबर्स एनिमेट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी कॉम्पोजिशन में टेक्स्ट लेयर ऐड करेंगे बाय प्रेसिंग Ctrl+T ऑन आवर कीबोर्ड, और अब हम यहाँ कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट वी कैन रीनेम दिस लेयर टू समथिंग लाइक एनिमेटिंग नंबर्स। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्लाइडर कंट्रोल, विल गो टू एफेक्ट्स, एक्सप्रेशन कंट्रोल, स्लाइडर कंट्रोल, और अब हम इस टेक्स्ट की सोर्स प्रॉपर्टी को इस स्लाइडर कंट्रोल के साथ लिंक कर देंगे बाय प्रेसिंग ऑल्ट एंड क्लिकिंग ऑन दिस स्टॉप वॉच, और हम यहाँ से इसे अपने स्लाइडर के साथ पिक क्विप कर देंगे, और यहाँ आफ्टर इफेक्ट्स अपने आप इसके साथ लिंक करने का एक्सप्रेशन लिख देगा। अब यहाँ इस स्लाइडर में हम जो भी नंबर ऐड करेंगे वो यहाँ हमारी इस टेक्स्ट लेयर में शो हो जाएगा। तो अब हम इसे की फ्रेम से एनिमेट कर सकते हैं। अपने पहले फ्रेम पर इसको 0 रखेंगे और 3 सेकंड बाद आई विल मेक इट 1000। लेट्स प्रीव्यू इट। यहाँ हमारे की फ्रेम्स के बीच में डेसिमल वैल्यू शो हो रही है। अब इन डेसिमल वैल्यूज को हटाने के लिए हम अपने एक्सप्रेशन के एंड में ऐड करेंगे .value.toFixed और ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख देंगे 0। और अब यहाँ कोई डेसिमल नंबर नहीं है क्योंकि हमने यहाँ 0 ऐड किया है। अगर मैं यहाँ 1 ऐड कर दूँ तो हमें 1 डेसिमल वैल्यू हमेशा अपनी लेयर में दिखेगी। अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो 2 डेसिमल वैल्यूज, एंड सो ऑन। लेट्स मेक इट 0। अब इस स्लाइडर कंट्रोल में एक दिक्कत है, हम इससे मैक्सिमम 10 लाख तक ही अपने नंबर्स को एनिमेट कर सकते हैं। यानी अगर मैं 10 लाख से ऊपर जाना चाहूँ तो वो इस स्लाइडर कंट्रोल में पॉसिबल ही नहीं है। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम स्लाइडर कंट्रोल की जगह यूज़ करेंगे पॉइंट कंट्रोल। विल गो टू एफेक्ट्स, एक्सप्रेशन कंट्रोल एंड पॉइंट कंट्रोल। हम यहाँ इस स्लाइडर कंट्रोल को अब डिलीट कर सकते हैं और अपने सोर्स टेक्स्ट को इसके साथ लिंक कर देंगे। अब यहाँ 2 वैल्यूज हैं तो इसको लिंक करने के लिए हम इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को चूज कर सकते हैं, और अब हम यहाँ 10 लाख से ऊपर की वैल्यू ऐड कर सकते हैं और उसे एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ डेसिमल वैल्यू हटाने के लिए हम लास्ट में सिर्फ अब .toFixed ऐड करेंगे, एंड दैट्स इट। अब अगर मुझे अपने नंबर्स के बीच में कॉमास ऐड करने हैं तो वो करने के लिए सबसे पहले हम अपनी प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ हम अपने एक्सप्रेशन के कॉलम में एक्सप्रेशन इंजन को कर देंगे जावास्क्रिप्ट पे। अब कॉमास ऐड करने के लिए हम अपने एक्सप्रेशन में से .toFixed को हटा के लिखेंगे .toLocaleString। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं, बट अगर मैं इसे यहाँ खाली भी छोड़ दूँ तो आफ्टर इफेक्ट्स अपने आप मेरे PC की डिफॉल्ट लैंग्वेज का कोड यहाँ ऐड कर देगा, और यहाँ इसे अप्लाई करने पे कुछ इस तरह से कॉमास ऐड हो जाएंगे। अगर हमें यहाँ हर 3 वैल्यूज़ के बाद कॉमा चाहिए जैसे कि US फॉर्मेट में होता है, तो हम इन ब्रैकेट्स में USA का लैंग्वेज कोड ऐड कर सकते हैं इन इन्वर्टेड कॉमास, दैट इज EN-US, और यहाँ अब हर 3 वैल्यूज़ के बाद कॉमा ऐड हो जाएगा। लेट्स मेक इट डिफॉल्ट टू इंडियन कोड। तो अब यहाँ कॉमास तो ऐड हो गए हैं, बट हमारी एनिमेशन में डेसिमल्स वापस से आ गए हैं क्योंकि हमने .toFixed वाला एक्सप्रेशन यहाँ से हटा दिया था। अगर मैं यहाँ इसे वापस से ऐड करूँ तो हमारा एक्सप्रेशन काम नहीं करेगा। तो यहाँ हम डेसिमल हटाने के लिए एक नया एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, दैट इज Math.round। इसे हम अपनी एक्सप्रेशन की शुरुआत में ऐड करेंगे और इसके ब्रैकेट के अंदर अब अपना पिक क्विप्ड एक्सप्रेशन ऐड कर देंगे, और अब अप्लाई करते ही हमारी सारी डेसिमल वैल्यूज इस एक्सप्रेशन से राउंड अप हो जाएंगी, यानी हट जाएंगी। अब यहाँ अगर मुझे अपने नंबर से पहले रुपी का सिंबल ऐड करना है तो मैं यहाँ सिंपली अपने एक्सप्रेशन से पहले इन्वर्टेड कॉमास में रुपी का सिंबल ऐड करूँगा, और इसके बाद मैं इसे ऐड करने के लिए यहाँ प्लस टाइप करूँगा, एंड दैट्स इट। सिमिलरली कुछ भी लास्ट में ऐड करने के लिए यहाँ हम अपने एक्सप्रेशन के लास्ट में प्लस ऐड करेंगे, और इन्वर्टेड कॉमास में हम जो भी ऐड करना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं, और यहाँ हमारा टेक्स्ट इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब इसको यहाँ स्पेस देने के लिए हम अपने एक्सप्रेशन में भी रुपीज़ में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पेस ऐड कर देंगे, एंड दैट इज़ इट। अब इस वीडियो में यूज़ किए जाने वाले सारे एक्सप्रेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए, तो आप उन्हें वहाँ से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप मुझसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल मेक श्योर टू आंसर देम ऑल। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।